मित्रों, क्या आपको कर स्वर मालूम है? कर स्वर किस तरीके से लिया जाता है, और जब तक आप कर स्वर नहीं लेंगे तब तक आप जो है कभी भी अच्छा हारमोनियम वादक और अच्छी एक गायकी आपकी कभी नहीं हो सकती है। आज इस वीडियो के अंदर आपको कर स्वर किस तरीके से लिया जाता है और कर स्वर को हम किस तरीके से उंगलियों से उंगलियां प्रेस करें जिससे हमारा कर स्वर साथ में बजे, और जब कर स्वर बजेगा ना तो आपका गाना मधुर हो जाएगा, बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले आप लोगों से निवेदन करेंगे, वही वाला जानते तो हो सब लोग, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इस वीडियो में, कम से कम 200 लाइक तो कम से कम कर ही दीजिए आप लोग। तो देखिए, कोई भी हम गाना बजाएं, सबसे पहले ये सब मेन चीज पॉइंट यहाँ पर ये समझिए, कोई भी हम गाना बजाएं उस गाने में इगन पर भले ही कम कर स्वर लें, लेकिन दुगन पर हमें कर स्वर बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कर स्वर लेने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं और गीत में देखिए आप, साधा में पहले गाऊंगा फिर उसमें कर स्वर लगा कर गाऊंगा, फिर देखिए कितना फर्क बैठता है दुगन बजाने में और इगन बजाने में, यानी कि गाने में और फिर उसकी जो है म्यूजिक, या फिर मैं म्यूजिक कहूँ या फिर उसका दुगन कहूँ, कुछ भी कहूँ, आप समझिए। जैसे मैंने गाना बजाया एग्जाम्पल फॉर के लिए, कोई सा हम सॉन्ग ले लेते हैं, अपना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा, तू है सनम मेरा प्यार ओए मेरा दिल तेरा आशिक, तू है सनम मेरा प्यार ओए मेरा दिल तेरा आशिक, सपनों में आऊंगी अपना बनाऊंगी तुझको कसम से मैं गले लगाऊंगी, तू है सनम मेरा प्यार ओए मेरा दिल तेरा आशिक। अब हम यहाँ पर कर स्वर ले रहे हैं, ठीक है, कर स्वर यहाँ पर हम अपने ले रहे हैं। अब बिना कर स्वर के हम इस गीत को बजाएं तो देखिए, अब ना छुपाऊंगा तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा, तू है सनम मेरा प्यार ओए मेरा दिल तेरा आशिक, तू है सनम मेरा प्यार ओए मेरा दिल तेरा आशिक। फर्क लग रहा है ना, कुछ भी हम कोई सा भी गाना गाएं कर स्वर के साथ, और ऐसे पहले ये चीज समझिए, जैसे सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अभद्र में राम आए हैं, लगे कुटिया भी रोशन लगे कुटिया भी रोशन, अभद्र में राम आए हैं। समझ रहे हैं ना, अब देखिए कर्ण स्वर के साथ हमने इस तरीके से बजाया, और बिना कर्ण स्वर के साथ बजाएं तो देखिए यही गाना वही है, सजा दो घर को गुलशन सा, अभद्र में राम आए हैं, लगे कुटिया भी रोशन सी, लगे कुटिया भी रोशन सी, अभद्र में राम आए हैं। अब दुगन हमने बताया था ना बिना म्यूजिक के और म्यूजिक के, देखिए किस तरीके से, अब मैं दुगन की, देखिए दुगन बता रहा हूँ, दुगन पर अगर हम ऐसे बजाएंगे दुगन तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, दुगन पर कर्ण स्वर लेना बहुत जरूरी है। देखिए अब दुगन आपके कर्ण स्वर दुगन पर कब सही लगेगा आपको पता है, जब आप साजबाज के साथ गाएंगे तो आपका अच्छा लगेगा, साजबाज के साथ जब ढोलक या तबले के साथ कभी भी गाएंगे तो आपका जो है वहां पर आपका ये काम बहुत अच्छा, आपका ये कर स्वर जो है बहुत अच्छा काम आएगा। तो मित्रों कर स्वर किस तरीके से लें आप समझिए, देखिए हमने ये गाना बजाया सजा दो घर, अब जब भी हम गाने के उठेंगे और जहां पर टूट गाने की होगी, जहां पर गाने की टूट होगी, तो देखिए गाने की यहां पर इसकी टूट यहां पर हो रही है, सजा दो घर, अब हमने घर यहां पर आए तो हमने
नीचे तुरंत प्रेस किया, क्योंकि हम इसी स्वर से गए थे ना, तो हमें इसी स्वर यहाँ से गए, ये तीव्र मा था, तो हमने तीव्र मा को इसको दबाए रखे और इसको जो है हमने प्रेस किया, यानी कि गाने की टूट पर सजा दो घर को इधर भी, और जब हम दूसरा शब्द कहा तो इधर भी लगाया। ऐसे ही आप गाना गाइए, कोई भी गाना प्ले करिए, तो आप इधर यानी कि जहां पर रुके हो उसका एक स्वर इधर ले सकते हो और या फिर एक स्वर उधर ले सकते हो, यानी पीछे एक स्वर ले सकते हो या एक स्वर उसका आगे ले सकते हो, समझ रहे हो ना। जैसे हमने यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमने ये सजा दो घर को गुलशने सा, ये ले रहे ना कर्ण स्वर। अब यहाँ पर टूट आई ना, टूट आई है, थोड़ी रुका है, मतलब ब्रेक लगी है, तो ये अभदु मेराम, ये जैसे अभदु मेराम आए हैं, एक सुर को दबाकर रखिए और दूसरे सुर को टच करना ही कण स्वर कहा जाता है। एक सुर को दबाकर रखेंगे और दूसरे स्वर को हम प्रेस करेंगे तो उसको कर्ण स्वर, जैसे हमने ये दबाया है और इसको हम प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया कर्ण स्वर, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये हो गया हमारा कर्ण स्वर, इसको हमने प्रेस किया है तो ये हमारा समझिए बन गया है यहाँ पर कर्ण स्वर। अब ऐसे ही इसी प्रकार से आप जैसे समझेंगे कि एग्जाम्पल फोर के लिए, जैसे हमने ये गाना बजाया था सपनों में अपना बनाऊंगी घी, रुके थे यहाँ पर तो तुरंत कर्ण स्वर लिया। अब इसी प्रकार से दुगन पर आप, इसी प्रकार से सैम आप जो है दुगन पर अपने जो है कर्ण स्वर को इसी प्रतिक्रिया से, इसी प्रकार से कर्ण स्वर को जो है दुगन पर ले सकते हैं। सजा दो घर या अब ना चुप, या नागिन धुन की बात करूं तो देखिए नागिन धुन में सादा बजेगा तो ऐसे, अब कर्ण स्वर के साथ बजाएंगे तो देखिए तो कहने का मतलब है कि सा को पकड़े हैं तो रे को कर्ण स्वर मान ले सकते हैं, अगर हम रे को पकड़े हैं तो गा को कर्ण स्वर ले सकते हैं, इसको प्रेस, इसको दबाकर रखेंगे, इसको प्रेस करेंगे, तो इसी को कर्ण स्वर कहते हैं। अब ये कहो कि एक ही बार में आपको आ जाए, ये एक बार में नहीं आएगा, इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा समय लगेगा, यानी कि कम से कम मान के चलिए इस तरीके से आप 10 दिन अगर कोई हर गाने पर आप इस तरीके से प्रयास करेंगे तो 100% आपको कर्ण स्वर की जानकारी और ज्ञान जो है कर्ण स्वर का भली भांति बहुत अच्छी तरीके से आपको हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, यूं ही सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।